नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है मिस्टर अमन बिहार से, तो आज हम इस क्लास में उन्हीं की एक क्वेश्चन, उन्हीं की एक प्रॉब्लम और उन्हीं की एक रिक्वेस्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स होते हैं। इससे पहले हमने एक मैक्रो बनाया था कि इन सारे फाइलों का डेटा एक सीट में कॉपी पेज कर देगा। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक फोल्डर की सारे फाइलों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक का डेटा, तीन का डेटा और पांच का डेटा या छः का डेटा, मतलब कि जो हम फाइल सेलेक्ट करेंगे उसी फाइल के डेटा को कुलेट कर दें, कंसोलिडेट कर दें एक सीट में, एक के नीचे एक के नीचे। तो इसके लिए हम चलिए अपनी इस क्लास में डिस्कस करते हैं अपनी तरीके और अपने कंटेंट के जरिए। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है और ये किसी की लाइव प्रॉब्लम है, कोई मेरा मन से बनाया हुआ टॉपिक नहीं है। और जो लोग मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। मैं ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता हूँ जूम मीटिंग के जरिए, जूम एंड गोटू मीटिंग के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूजर फॉर्म की मदद से, क्योंकि इसमें गेट एक ब्राउज बटन होना चाहिए जो जो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। तो यहाँ हम डेवलपर पे जाते हैं, विजुअल बेसिक, और एक इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म, या यूजर फॉर्म। और यूजर फॉर्म में हम यहाँ पे इसको एक कर देते हैं, यूजर फॉर्म कैप्शन चेंज कर देते हैं यहाँ पे कॉपी। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, लिस्ट बॉक्स लेना चाहिए मुझे, कई सारे फाइल है ना। और यहां पे मैं ऊपर हो जाएगा हमारा ब्राउज सेलेक्ट या ब्राउज फाइल। और उसके बाद एक और बटन मैं बनाऊंगा, कॉपी डेटा। ऊपर मैं एक दे देता हूं, सबसे पहले हम सिलेक्ट फाइल पे जाते हैं ताकि सारे फाइलों का लिस्ट यहां पे आ जाए। तो इसके लिए हम dim fn as a हमने स्ट्रिंग कर दिया हुआ है, fn इक्वल नीचे तक आ गया, fn इक्वल टू हमने बोला एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, गेट ओपन फाइल नेम। गेट ओपन फाइल नेम, अब इसको मैं स्पेस देते हैं या ब्रैकेट है, ऐसे ब्रैकेट होगा हम ब्रैकेट। फाइल फिल्टर, मतलब कि इस लिस्ट में कौन सा आना चाहिए। तो हमने यहां पे स्टार ऑल फाइल कर देता हूं मैं, सही रहेगा ऑल फाइल। या फिर आप यहां पे एक्सटेंशन दे सकते हैं किसका एक्सटेंशन होना चाहिए, और
इसके अंदर में हमने दे दिया स्टार डॉट स्टार, इसमें एक्सटेंशन आप दे सकते हैं कि किसका एक्सटेंशन होना चाहिए। तो ये हमारे फाइल का फोल्डर का पाथ आ गया, इसमें कौन का एक से ज्यादा फाइल भी दे सकते हैं, इसके बारे में हम इसके रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ओके, अब इसमें आता है फाइल इंडेक्स नंबर, तो इसमें आप वन दे दिए दे दीजिए, टाइटल यहाँ पे दे दीजिए सेलेक्ट, ऊपर जो टाइटल लिखा होगा सेलेक्ट फाइल, और बटन टेक्स्ट एंड मल्टी सेलेक्ट, क्योंकि मल्टी सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, ये टोटल फाइल है, और फाइल को लेना है यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, कि अगर सिलेक्ट ना किया तो इसमें हम लिखेंगे इफ नॉट की जा रहे, इसमें एरे में एफ एन कर देते हैं कि एफ एन पे स्टोर होगा, दैन मैसेज बॉक्स में एम एस जी बॉक्स के अंदर में देंगे नो फाइल सेलेक्ट, और यहाँ पे एग्जिट सब यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब फाइल सेलेक्ट है तो यहाँ पे हम देंगे फोर आई इक्वल टू चले लोअर बाउंड, क्योंकि हमें पता नहीं कितने फाइल सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लोअर बाउंड टू अपर बाउंड हम चल रहे हैं, एल बाउंड बी ओ यू एल डी होता है एल बाउंड, इसमें हमने कर दिया एफ एन अपना फाइल का नेम टू यू बाउंड, ये हमारा लूप आ गया, जिस कितना वाला लूप चल रहा है इसका पता चल जाएगा, और मुझे इसमें मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट एड आइटम, और यहां पे हमें देना होगा नेक्स्ट। लेकिन इसमें दिक्कत है कि हमने एफ एन को स्ट्रिंग दे रखा है, मुझे यहाँ पे इसको एज ए वेरिएंट देना चाहिए, मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ, रन, अब सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, एक मिनट दो, प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, हाँ इसमें हमने छोटी सी दिक्कत कर रखी है, यहाँ पे हमने कॉमा लगा के फिर यहाँ पे हमें देना है स्टार डॉट स्टार, अब इसमें हमने डेस्कटॉप पे आते हैं न्यू फोल्डर डेटा, अब इसमें मैं एक से ज्यादा फाइल कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, चार फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ओपन, चारों फाइलों की पूरी पाथ यहां पे आ गई है, हमने पहला काम कर लिया कि हमें जो फाइल सेलेक्ट करेंगे उस फाइल का पाथ यहां पर हमें मिल जाएगा। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि मैं जब मैं कॉपी डेटा करूं
तो एक एक करके सारे डेटा यहां पे कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए, सारे डेटा कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। हालांकि इस पे भी कॉपी पेस्ट करा सकते थे, या फिर मैं डायरेक्ट यहां भी कॉपी पेस्ट करा सकता हूं, जो सिलेक्ट फाइल है ना यहां पे, हम यहां भी कॉपी पेस्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, फिर मैं कॉपी पेस्ट कराऊंगा। इसके लिए मैं कॉपी डेटा पे क्लिक करता हूं। अब इसमें हम लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू, चले 02 मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट काउंट। मैं देखना चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट, एक मैं इसको रन करता हूँ, एक बार चेक कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट फाइल, हमने दो फाइल, तीन फाइल सिलेक्ट किया है, ओपन कर दिया, कॉपी 1 2 3। तो इसमें मुझे -1 करना पड़ेगा क्योंकि तो हमने 0 से स्टार्ट किया है ना, 0 1 2 3, तो 2 ही आना चाहिए था। मुझे इसमें एक काम और करना है, ये चेक करना है कि इसका MSG बॉक्स इसको सेलेक्ट किया, कई फाइलों को हमने सेलेक्ट किया, उसमें चेक कर रहा था क्योंकि कोड फिट चलने के बाद एरर आ रहा। अब यहां पे हम देंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और ओपन कौन सा ओपन करना, और इसमें 0 के जगह पे आई करेंगे, कहता कि 1 by 1 ओपन करेगा। शीट्स डॉट शीट्स डॉट वन हुआ, रेंज रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। उसके बाद ये जिस फाइल में हम सेव कर रहे हैं, इस फाइल को पहले सेव करना होगा ना। सिलेक्टेड डेटा, अब यहां पे लिखेंगे वर्क वर्क बुक्स बुक्स, कौन सा वर्कबुक डॉट xlsm। A 65,000 and Excel up dot offset 1,0 dot
पेस्ट, ये मैं बस ट्रायल के लिए कर रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल और ये हमें चाहिए पेस्ट एज, क्योंकि उसमें रैन बिकने का फॉर्मूला लगा ना, हाँ पेस्ट वैल्यू। तो मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पे कट को भी मोड पॉज करना होगा ना, आप कट कॉपी मोड, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद एक्टिव वर्क मोड को दोहराएगा। चलिए अब इसको एक बार हम रन करते हैं। सिलेक्ट फाइल, अपने पर्टिकुलर फोल्डर पे जाता हूं जहां पे मेरा फाइल फुल फाइल है, न्यू फोल्डर में डेटा इस तरीके क्लियर का एक बटन करना होगा इसमें, इसे क्लियर कर सके। तो गलती से हो गया तो क्लियर का बटन करना पड़ेगा। एंड कॉपी डेटा, ठीक है हो means एक होना चाहिए 6-1 और कौन से बुक वर्कबुक में तो यहां पे हम कर देते हैं
मुझे इस फाइल को क्लोज करना है, जो फाइल ओपन हुआ है इसको क्लोज करना है। तो हमने एक्टिव वर्किंग डॉट क्लोज किया तो नहीं हुआ, तो दिक्कत हो गया था। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं यू बॉट बुक्स क्लोज, कौन सा वर्क क्लोज करना तो ये हम दे देते हैं। नहीं, क्लोज भी नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा परफॉर्म कर रहा है कि जैसे हम इस यूजर फॉर्म को रन करेंगे, रन करने के बाद मुझसे पूछेगा फाइल लिस्ट ऑफ फाइल, जितने हम फाइल लिस्ट को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, कॉपी डेटा पे क्लिक करेंगे तो उतने फाइल को आप देखिए इसने यहां कॉपी कर दिया। यहां से क्लोज कर दीजिएगा तो आप जाके देख सकते हैं कि आपका कितना फाइल हुआ है। तो बेसिकली ये हमने इसमें जो यूज किया है वो यूज किया है गेट ओपन फाइल नेम मेथड, हमने यूज किया है गेट ओपन फाइल नेम मेथड, जिससे हमें सारे फाइल का लिस्ट आ गई, उस लिस्ट को हमने कहीं पे स्टोर करा दिया और फिर हम चेक करें, या फिर अब जो कोड हमने यहाँ लिखा है सेम कोड हम यहाँ भी लिख सकते थे, डायरेक्ट कॉपी करवा सकते थे, लेकिन हमने लिस्ट बॉक्स में उस पहले इसको स्टोर करा दिया ताकि आगे हम उसका यूज कर सकें। तो ये मैक्रो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, कमेंट में कोई डाउट हो तो फोन करके पूछ सकते हैं, और मुझे आशा है कि अमन जी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और आप लोग मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं iptindia.com से, या फिर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।